हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से रिलेटेड वीडियो। भाई कई के जो कैंडिडेट अभी उनको राहत मिली है, अब नियुक्ति के लिए भाई कुछ रास्ता साफ हुआ है और कुछ भाई अभी तक पूरी जो रास्ता वो क्लियर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई आपकी जो सुनवाई है वो होगी 20 मई 2022 को। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा धारक व नव चयनित 668 कला अध्यापकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। तो पूरी खबर भैया आपको सारी बात पता ही है। इसमें जो रिव्यू पिटीशन लगी हुई है 5, तो उनकी जो सुनवाई है वो होगी भाई 20 मई 2022 को, और सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और तब तक भाई सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। भाई सभी जो भी तथ्य है वो भाई आपके जिस आधार पर जो केस है आपकी जो ओपन कोर्ट के अंदर हायरिंग होगी वो होगी 20 मई 2022 को। और याचिकाकर्ता जो है भाई सुखदेव ने बताया कि कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय विषय में विशेष कमेटी बनाकर आर्ट एंड क्राफ्ट जो डिप्लोमा है उसको भी समकक्ष बनाया गया था। और वो भी मैंने एक पीछे वीडियो भी डाली थी आपकी इसके लिए, जो पूरी जो एप्लीकेशन और जो भी आपका पूरा जो प्रोसेस था उसकी, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे। और एक और न्यूज़पेपर में आप देख 668 जो चयनित कला अध्यापक हैं उनको भाई नियुक्ति दी जाए, इसके लिए जो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर जो आपके साथी कैंडिडेट है वो यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल जो चयनित है भाई उनको नियुक्ति ज़रूर मिलनी चाहिए। और एक और न्यूज़पेपर में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। तो ये देख सकते हैं भाई, मामला है आपका अयोग्य करार देने का, सरकार भाई 20 मई तक जवाब देना होगा। हो सकता है भाई 20 मई से पहले आपको क्या है सरकार ज्वाइनिंग दे दी जाए और कंडीशनल आपको ज्वाइनिंग मिलने की भाई संभावना यहाँ पर रहेगी। और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भाई आपके लिए है, क्योंकि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद भाई आपको एक दिशा मिली है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन लगाई गई थी उसके लिए भी ओपन कोर्ट के अंदर आपको डेट दे दी गई है, मई के अंदर आपको सुनवाई होगी। और एक बिल्कुल भाई जो आपका केस है वो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। तो देख सकते हैं भाई लगातार आज दूसरा दिन है, न्यूज़पेपर में भी भाई आपसे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आ रही है, कल भी आई थी और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और आज भी आई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब देने के लिए कहा गया है, क्योंकि सरकार भी अपनी मनमानी कर रही थी। अगर आपको ज्वाइनिंग देनी होती तो वो भाई कंडीशनल ज्वाइनिंग आपको पहले भी दे सकती थी। अब भाई आप अपनी जो भी राय रखते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।